सबसे पहले तो मैं शुक्र गुजार हूं परवरदिगार का, उस रब का और उस सवाम का जिसने, जिन लोगों ने हमें मैंडेट देकर डॉक्टर साहब डॉक्टर ऐवान में भेजा। आप चेक कर ले उसको डॉक्टर आरिफ अरबी साहब। जी जी, जिन हालात में तपती हुई धूप में कतारों में लोग खड़े हुए, हम सबको उन्होंने वोट दिया। जनरल स्पीकर, हालात भी ऐसे थे, दहशत का आलम, गर्मी का आलम, भूख प्यास में कतारों में खड़े रहते थे। बड़ी उम्मीदों से हमें और आपको उन्होंने यहां पर भेजा जनरल स्पीकर। और एक हम हैं जो इस तरह के एयर कंडीशन माहौल में भी दो घंटे भी हम एक कतार में खड़े नहीं हो सकते। जो मैंडेट हमें दिया गया, हालांकि जो नतीजे आए हैं वो उसके बरक्स आए, कुछ आरओ के नजर हो गए, कुछ फॉर्म 45 के नजर हो गए। एहतजाज हक है, हमने भी एहतजाज किया, एहतजाज करने का हक हर किसी को है। लेकिन सोचने की बात यह है जनाब स्पीकर साहब कि जब किसी के चंद वोट गायब हो जाते हैं तो इस तरह के एहतजाज किए जाते हैं। उनसे जाके कोई पूछे जिनके बच्चे गायब हो गए हैं, वो किस तरह का एहतजाज करें? उन माओं से जाके पूछें जिनके बच्चों की मशकशुदा लाशें वहां पे गिराई जाती हैं, वो कौन सा एहतजाज करें? उन बहनों से जाके पूछें कि जब उनकी डोलियां नहीं उठ सकती कि जब तक उसका भाई वापस नहीं आ जाए, वो कौन सा एहतजाज करें? और जब हमारे लोग एहतजाज करते हैं तो कहते हैं आप मुल्क के गद्दार हैं, आप आईन को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते। यही है कानून, यही है आईन। सबसे पहले तो मैं उस दिन के कहे हुए अल्फाजों को मैं वापस लूंगा कि मैंने गलती की कि इस तरह के अल्फाज कहे, उनको मैं वापस लेना चाहूंगा, क्योंकि अब मुझे भी इन रेलों में शायद जाना पड़ेगा आप लोगों इन माजरत के साथ, उन लोगों के साथ। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब तो मौजूद नहीं है, मैंने उनको अभी तक मुबारकबाद भी नहीं दी और अभी नहीं दूंगा मैं उनको मुबारकबाद। वो कब दूंगा? जब वो अपने फराइज को खुशी से, खुश असलूबी से अंजाम दे पाएंगी। अभी तक तो वो स्टार्टिंग लाइन पे हैं, फिनिशिंग लाइन अभी तक बहुत दूर है। इसमें हर्डल्स हैं, इसमें रुकावटें होंगी, और जब वो उस मकाम पर पहुंचेंगे और हम और आप भी जब अपने फराइज अंजाम देने में कामयाब होंगे तो फिर हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक होंगे जनाब स्पीकर। वो प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कहते हैं ना अपने जलसों में कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये इसको और आगे जाना होगा। अभी तक तो हम इम्तिहान के मराहल में, हम इम्तिहान में कामयाब नहीं हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि 5 सालों से पहले जो वायदे, जो इकरार, जो कमिटमेंट हमने लोगों से किए या इस ऐवान में किए, पब्लिक से किए, उन पर हम खुदावंद ताला हमें तौफीक दे कि हम उन पर पूरा उतरें। जनरल स्पीकर साहब, जब तक के मुंतखब अराकीन, चाहे उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो, किसी भी बेंचेस से उनका ताल्लुक हो, हुकूमती बेंचेस या अपोजिशन बेंचेस से, वो मिल बैठकर एक नेशनल एजेंडे की तरफ नहीं जाते और हमें बैठकर एक नेशनल एजेंडा तय करना होगा। बाहर इसके हम भी यहां से चीखते रहें, उधर से भी लोग चीखते रहें, बाहर से भी लोग चीखते रहें, ये सिलसिला आगे चलने वाला नहीं जनाब स्पीकर।
और उसके लिए जरूरी और अहम जुज जो हैं, एक आजाद खुद मुख्तियार पार्लियामेंट, एक आजाद और खुद मुख्तियार अदलिया। हमारे मीडिया के दोस्त भी खाली हो गए सब, चलो। एक आजाद मीडिया, आज की जो मीडिया की हम सूरत हाल देख रहे हैं, बड़ी माजरत के साथ जनरल स्पीकर, जनरल मुशर्रफ के डिक्टेटर रोल में भी हमने मीडिया की वो हालत नहीं देखी जो आज हम देख रहे हैं। क्या हम जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं? हम खुद जमहूरियत की उस गाड़ी को घसीटते हुए डिक्टेटरों की गोद में जाके फेंकना चाहते हैं, तो क्या हम जमहूरियत पसंद कहलाने के लायक हैं? नहीं, कतन नहीं। हमने मीडिया पर पाबंदियां लगा दी हैं, अदलिया के बारे में, नाइंसाफियों के बारे में बात करें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हक के नाहकी के खिलाफ बात करें जो गद्दार मुजरिम, तो किसके बारे में हम बात करें जनरल स्पीकर साहब? किन के बारे में हम बात करें? जुल्म ज्यादतियों के बारे में बात करते हैं जनाब स्पीकर, फिर भी हम पे इल्जाम लगाए जाते हैं। एक और ये इलेक्शन एक वाहिद इलेक्शन नहीं है जिस पर क्वेश्चन मार्क्स हैं। हां, ये और बात है कि इस दरफा के जो इलेक्शन है, मैं खुद इलेक्ट हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जिस हल्के से मैं मुंतखब हुआ हूं वहां के इलेक्शन को जो है खोला जाए, पोलिंग को वहां पे देखा जाए कि धांधली हुई, क्या मैं धांधली से कामयाब होकर आया हूं। और इसी तरह कहने का मतलब यह था कि शिकायतें हर तरफ से आ रही हैं, तो मेरी प्राइम मिनिस्टर से और आने वाली कैबिनेट से उनसे यही गुजारिश होगी कि एक कमीशन बनाया जाए, जिस किसी की भी शिकायत है, चाहे किसी भी हल्के में, उनके वो हल्के खोल दिए जाए। कम से कम ये मरला आपका 3-4 महीने में या कम से कम 1 साल में तो हल हो सकता है। और ये जो आंधी या तूफान जो उठने वाला है, जो या गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ से, उसको आप किसी हद तक रोक सकते हैं। और दूसरी बात जनरल स्पीकर, मैं उन मसाइल की तरफ आऊंगा जिनकी बुनियाद या जो मैंडेट देकर हमें आज इस ऐवान में भेजा गया है। क्यों कर हमने इस हुकूमत को सपोर्ट किया या इसके साथ तावुन किया? सबसे पहला नुक्ता है जनाब स्पीकर, जो 6 नुकात हमने पेश किए थे उसमें थे मिसिंग पर्संस की बाजियाबी। जनाब स्पीकर साहब, ये जो मैं लाया हूं, ये प्रोविंशियल असेंबली का बजट नहीं है, ये नेशनल असेंबली का बजट नहीं, ये हमारे 5,000 से ज्यादा मिसिंग पर्संस की फहरिस्त है। और ये फहरिस्त एक बार नहीं, कई बार गुज़श्ता हुकूमतों के सामने हमने गड़गड़ाकर उनके सामने पेश की, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ उस पर। आज एज ए रिकॉर्ड के ये रिकॉर्ड में रहे, पांच हजार 128 लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान से मिसिंग हैं। इनमें बुजुर्ग भी हैं, इनमें बच्चे भी हैं, इनमें ख्वातीन भी हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा की आवाज तो यहां से सुनाई दी जाती है, फाटा के इलाकों की आवाजें इस ऐवान के सामने भी गूंजी हैं। जनाब स्पीकर, कुछ दिन पहले एक नौजवान जो 4 साल के बाद वापस घर पहुंचा, तो उनके फैमिली के अरकान ने मुझे फोन किया, बड़े खुश थे, कहते थे कि साहब 4 साल के बाद हम ईद मनाएंगे इस बार। तो सोचे उन लोगों के लिए जो 10-10 सालों से गायब हैं, और उसका दुख, उसका एहसास उसको होगा जो वो खुद उस कौफ से गुजरा हो। मैं खुद 40 साल से अपने भाई की लाश तलाश कर रहा हूं जो आज तक नहीं मिली हमें, कौन है उसके जिम्मेदार?
क्या इसका भी जिम्मेदार मैं CIA को कहूं, रॉ को कहूं, मुसाद को कहूं, किसको कहूं इसका इल्जाम, किस पर डालूं वो इल्जाम में? जनाब स्पीकर, 10-10 सालों से जो लोग गायब हैं, उनकी मंगेतरें अभी तक बैठी हुई हैं। ये हमारी रवायत है बलोचों की, पश्तूनों की, सिंधियों की, कि जब तक के वहां से वो इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि वो मर गया है या उसके लिए आप इंतजार ना करें, जब तक वो बिहाई नहीं जाती, वो अभी तक पता नहीं कि वो शादीशुदा हैं या बेवा कर दी गई हैं, वो बीबी अभी तक इंतजार में बैठी है जनाब स्पीकर। अगर वो मार दिए गए हैं तो कम से कम हमें इतला तो दी जाए, कम से कम इस ईद पर उनके रिश्तेदार अगर नया जोड़ा कपड़े का नहीं पहन सकते, उसकी कब्र पर उसकी बहन की जो शादी के लिए दुपट्टा जो बनाया गया है उसकी कब्र पर तो चढ़ा सकती है जनाब स्पीकर? अगर वो बाप लट्ठे का एक जोड़ा अपने लिए जो खरीदा है उसकी सरबुरीदा और मशकशुदा लाश उसके हवाले कर दें, तो वो कम से कम उस जोड़े के बदले वो कफन तो पहना सके अपने बच्चे को। किसके सामने हम ये फरायद करें जनाब स्पीकर? हमारी तो गले बैठ गए हैं, लेकिन हुक्मरानों के कान सरों पर जो जू तक नहीं रिंगती, किससे गिला करें हम? हमारी इज्जतें महफूज नहीं। हम वो कौम थे जहां पर हमारा दुश्मन भी आता तो हम उसको इज्जत की निगाह से देखते थे। आज हमारी सरजमीन पर हमारी इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। जब हम इस तरह का लहजा इख्तियार करते हैं जनाब स्पीकर, तो कहते हैं आप मुल्क को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते, आप आईन को नहीं मानते। तो क्या कौन सा वो आईन है जो मेरी इज्जत बचा सके? कौन सा वो आईन है जो मेरे बिछड़े हुओं को मुझे दिला सके? कौन सा आईन है जो आने वाले दिनों में मुझे ये गारंटी दे कि कोई भी शख्स चाहे जितना ही बास ताकतवर क्यों ना हो, वो मेरी इज्जत मेरी गैरत की तरफ जो है आंख उठाकर नहीं देख सके? है कोई इस मुल्क में कानून, है कोई इस मुल्क में ऐसा आईन जो मुझे ये गारंटी दे सके? जनाब स्पीकर, खुदा के लिए रहम करें सूबे पर। खुदा के लिए अगर उसको साथ चलाना चाहते हैं आप लोग, 70 सालों से मैं हल्फन कहता हूं कि आप लोगों ने बलूचिस्तान को साथ चलाने की कोशिश ही नहीं की। हर वक्त आप लोगों ने बलूचिस्तान को जो है घसीटने की कोशिश की है। अब हम घसीटने वाले नहीं, चलाएंगे तो साथ चलेंगे, नहीं चलाएंगे तो हम अपनी जगह पर बैठे रहेंगे जनाब स्पीकर। और आने वाले दिन अदवार में जो भी कोई नुकसान हुए, कम से कम ये ऐवान आज का ये दिन गवाही देगा कि फिर उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। जनाब स्पीकर, कहीं सुना होगा आपने इज्तिमाई कब्रें? ये वो बलूचिस्तान है जनाब स्पीकर जो सोना उगलता था, ये वो बलूचिस्तान है जो तांबा और चांदी उगलता है। आज के दौर में वो अपने नौजवान बेटों की लाशें जो है उगलता है इज्तिमाई कब्रों से। ये सिला मिला है हमें इन मुल्क की, और हर बार भी आते हैं हम आपके सामने इस ऐवानों में, इन ऐवानों में हमने वफादारी की कसमें भी खाई हैं, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं आता। वो यकीन का पैमाना हमें बताएं कि वो कौन से पैमाना है, मयार है जिस पर हम पूरा उतरें, फिर हम आप उन लोगों को हम पर यकीन आएगा। एक लिस्ट तो मैंने आपको मुहैया कर दी जनरल स्पीकर। दूसरा जो हमारा नुक्ता था ग्वादर का मसला, जहां पर एक हम तरक्की के कतन खिलाफ नहीं, लेकिन वो तरक्की जहां मैं समझूं कि मेरी शिनाख्त मेरी आइडेंटिटी खतरे में पड़ेगी, मैं उस तरक्की को कभी कबूल नहीं करूंगा। मेरी शिनाख्त
मेरी पहचान है और मेरी पहचान की वजह से मैं आज यहां पर भी मौजूद हूं और आज मुझे इज्जत भी मिल रही है मेरी उस पहचान और मेरी बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने की वजह से मुझे मिल रही है। जब तक के ऐसी कानून साजी नहीं की जाती, सीपेक के नाम, सीपेक का तो बड़ा चर्चा सुना होगा, ग्वादर का भी नाम सुना होगा, काफी मेरे ख्याल में हमारे पार्लियामेंटेरियन ग्वादर भी गए होंगे, तरक्की के बुलंद बाग नारे सुने होंगे, लेकिन आज वो ग्वादर पीने के पानी के लिए मोहताज है जनरल स्पीकर। बिजली वो जो ईरान से आ रही है, हम पता नहीं अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। हम तरक्की तो दे रहे हैं लेकिन बिजली नहीं दे पा रहे। हम तरक्की के हमने मीनार खड़े कर दिए लेकिन वहां पीने के लिए पानी नहीं। हमने तरक्की की जो है सनतें लगा दिए लेकिन अभी तक वहां पर जो है चूल्हे जो है लकड़ियों से जलते हैं। इन तीन चीजों के बगैर कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सा ऐसा गांव, मैं मुल्क की बात कर रहा, शहरों की बात नहीं करता हूं। इन तीन चीजों को निकाल दें जनाब स्पीकर, गांव बर्बाद हो जाते हैं, आबाद अपनी जगह पर। तो वो दावे जो किए गए हैं कि ग्वादर में तरक्की दी गई है, ग्वादर के लोग पानी से महरूम है, बिजली से महरूम है, गैस तो सुई की गैस हमें नहीं मिली और आपकी कतर से आने वाली या ईरान से आने वाली गैस हमें कहां मुयस्सर होगी। दूसरा जो है जनरल स्पीकर, जो ज्यादतियां की गई हैं, बलूचिस्तान का जो कोटा है फेडरल सर्विसेज में, मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं शाह साहब को भी मुहैया करूंगा, 18,000 पोस्ट जो हैं बलूचिस्तान की वैकेंट पड़ी हुई है, 18,000। क्यों नहीं दी गई, क्यों नहीं दी जा रही और उसके लिए क्या क्या इकदाम आते हैं, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है, मैंने मुख्तसर इसमें अपनी तजावीजें लिख दी है। और ये एक दूसरी लिस्ट है जनरल स्पीकर, ये भी मैं आपकी प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूं असेंबली की, इस हाउस की, जिसमें के वफाकी कोटा जो है, चाहे उसमें कॉरपोरेशन है या वफाकी हुकूमत का जो कोटा है, उसमें क्या क्या ज्यादतियां की गई है। शाह साहब ये मैं आपकी को कॉपी इसकी भिजवा दूंगा। और आखिर में सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि हुकूमत की जो कुछ आइन में रहते हुए पॉलिसियों और सही इकदाम की हम हिमायत करेंगे, लेकिन एक बात, मैंने जब शामू शाह साहब कोयटा आए थे उनसे अर्ज किया था मैंने कि ना मुझे हमें कोई वजारत चाहिए, ना ही हम किसी वजारत के उम्मीदवार हैं, हमारे ये 6 मुतालबात मान लिए जाएं, आजाद बेंचों पर बैठे हुए हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन अगर हज़्ब रवायत वही वादा खिलाफी, जब मैं आ रहा था तो बुजुर्गों ने कहा था कि बेटा जा रहे हो वहां पे एहतियात से, बाबूजी धीरे चलना, इस शहर में हैं बड़े धोखे। तो इस बार हम धोखा खाने नहीं आए हैं, हम बैठेंगे आजाद बेंचों पे, आपकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। लेकिन जो रोल अपोजिशन का होगा जायज मकाम पर, उनका भी हम वही साथ दे देंगे, जायज ना जायज नहीं, आपके भी जो जायज इकदाम होंगे आपसे बढ़कर हम आपका साथ देंगे। आखिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जनरल स्पीकर, अगर मेरे इन चंद अल्फाजों से किसी की दिल आजारी हुई है उसकी मैं माजरत चाहूंगा बड़ी।